अगर आप भी चाहते हैं कि भारत विश्व कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां मैदान पर एक बार फिर से रोहित कोहली और सूर्या का आया तूफान। तो कैसा रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ मुकाबले की लाइव अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरते ही रोहित ने कोहराम मचा दिया। ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाकर उन्होंने ऋषभ पंत के साथ तूफानी शुरुआत दी। जी हां, इस मैच में कैप्टन के साथ ऋषभ पंत ओपनिंग करने आए थे। राहुल का प्रदर्शन बेहद खराब था, इसलिए उन्हें इस मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही नहीं, रोहित और पंत के बाद इस मुकाबले में विराट कोहली ने भी तूफानी बल्लेबाजी की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाती तो आसानी से उनका सेमीफाइनल पक्का था। और दोस्तों भारत की शुरुआत भी ऐसी ही रही। आपको बता दें साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला मुकाबला 30 अक्टूबर के दिन खेला जाएगा, जिसका मजा आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बाकी सारे लैंग्वेज में उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। इस मैच पर केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी नजर होगी। जी हाँ, पर्थ में होने वाले इस मुकाबले पर पाकिस्तान किसी भी हाल में चाहेगा कि भारत जीत जाए। अगर अफ्रीका भारत को हरा देता है तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। ऐसे में ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। पर्थ के मैदान पर होने वाले इस मुकाबले में बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार रविवार के दिन पर्थ में बरसात हो सकती है। पर दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच भी ऐसे ही अनुमान लगाया गया था, और भगवान की दया से वो मुकाबला पूरा हुआ। बारिश एक बड़ी चिंता का कारण जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसी संभावना है कि मुकाबला पूरा होगा। दोस्तों मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा, जहां टॉस जीतने के बाद कप्तान रोहित पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना चाहेंगे। वहीं अगर बात करें इस मुकाबले में अफ्रीकन टीम की, तो वो इस वक्त बेहद ही खतरनाक फॉर्म में है, जहां बांग्लादेश को पूरी तरीके से रौंद कर अफ्रीकी खिलाड़ी इस वक्त बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। राइली रूसो, एडन मार्क्रम, डेविड मिलर, कगिसो रबाडा जैसे सितारों से सजी अफ्रीका किसी भी टीम को धूल चटाने का मादा रखती है। पर हमारी टीम इंडिया इस वक्त सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है, जहां दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली किसी भी टीम को अकेले ही दम पर धूल चटा सकते हैं। वहीं पिछले मैच में रोहित और सूर्या ने भी अपनी खतरनाक फॉर्म दिखाई। हालांकि खराब फॉर्म में चल रहे केएल राहुल की जगह युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि खराब प्रदर्शन कर रहे राहुल की जगह ओपनिंग की जिम्मेदारी पंत को दी जा सकती है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी की तिकड़ी विरोधी बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनकर मैदान पर उतरेगी। तो वहीं रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल एक बार फिर से स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया मुकाबला जीत पाएगी? क्या सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।